तीसरी तक संभावना ज्यादा देखी। हाँ देखिए, ऐसा होता है, विजुअल इम्पल्सेस होती हैं और एक्साइटमेंट की इम्पल्सेस होती हैं जो ब्रेन में जाती हैं, और ब्रेन से जो रगे जाती हैं हार्ट में, जो स्पेशली वेगस नर्व होती है, तो वेगल एक्टिविटी प्रभावित होती है और ब्लड प्रेशर भी प्रभावित होता है। और दो चीज़ें बहुत कांस्टेंट होती हैं इसमें, ब्लड प्रेशर एक्साइटमेंट से बढ़ना और वेगल स्टिमुलेशन के थ्रू हार्ट बीट का चेंज होना। ज़्यादातर केसेस में, अभी कल ही एक पेशेंट देख रहा था, 11:30 बजे एक फ़ोन आया कि टीवी पे एक हम मूवी देख रहे थे, उसमें कोई इमोशनल सीन था और फिर उनको चेस्ट पेन हुआ, उनका तुरंत ईसीजी कराया गया और ईसीजी जैसे ही मेरे पास आया, मैंने देखा कि उसमें हार्ट अटैक है। मैंने तुरंत उनको हॉस्पिटल भेजा और कैथ लैब तैयार कराई और प्राइमरी एंजियोप्लास्टी यानी उनको स्टेंट डालना पड़ा। तो इतना इफेक्ट होता है, और ये 41 ईयर्स के थे, यंग थे, और इनको सडन हार्ट अटैक हुआ। तो आजकल जो सडन हार्ट अटैक्स हो रहे हैं उसकी बैकग्राउंड में ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है, और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में जो ये स्टडी हुई है ये बहुत सिग्निफिकेंट है। उन्होंने तो यंग लोगों पे किया है, लेकिन इस पे जो सारी स्टडीज का एवरेज है वो ये है कि अगर स्क्रीन टाइम पर वीक 70 आवर्स से ज़्यादा हो तो वो घातक होता है हार्ट के लिए भी, ब्रेन के लिए भी, और आँखों के लिए भी, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए भी, जिससे लोगों में ट्रेमर बढ़ रहे हैं। अभी आप यंग लोगों को देखें, उनके हाथ कांपते हैं। तो ये जो एक्टिविटी है बॉडी की, सिंपैथेटिक एक्टिविटी जिसको हम कहते हैं, फ्लाइट मोड भी इसको कहते हैं हम, और ये इससे प्रभावित होती है, और डायरेक्ट जो स्टिमुलस जाता है उससे इमोशनल स्टिमुलेशन होता है। और अगर जो लोग रात को देखते हैं तो उनका स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब होता है, तो ये इसका दूसरा साइड इफेक्ट है कि इमोशनल और साइकोलॉजिकल के अलावा ये स्लीप पैटर्न को भी डिस्टर्ब करता है, एक्सेस ऑफ स्क्रीन टाइम। और अब आप बात कर रहे हैं 21 साल तक के बच्चों की, मैं तो 21-22 महीने के बच्चों की बात कर रहा हूँ। मेरी घर में ग्रैंड डॉटर है और वो टेलीफोन में लग जाती है, अगर उसको टेलीफोन मिल जाता है तो हम उससे छुपा के रखते हैं टेलीफोन, और उसके लिए दूसरे ऐसे खेल ला के रखे हैं जिसमें वो बिजी हो जाए। तो अगर हम बचपन से ही बच्चों को आदत डाल देंगे टेलीफोन से खेलने की, तो वो 2-2.5 साल तक पूरा टेलीफोन चलाना सीख जाएंगे, और आजकल यही हो रहा है। और फिर आप उनको टेलीफोन या इवन टीवी स्क्रीन भी इसमें शामिल है, तो अगर आप उनको अच्छा वाला मोबाइल फोन नहीं देंगे तो वो फिर प्रोटेस्ट करेंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो ये हो रहा है, ये हर घर की कहानी है, और बच्चों के सामने कम से कम फोन का प्रयोग करना चाहिए ताकि उनको ये ना लगे कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए, और उनको भी करने की ज़रूरत महसूस हो, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं। सर, इसमें ये भी बताया गया है कि ये पुरुषों में अधिक परेशानी पाई गई बजाय महिलाओं के, 50% तक पुरुषों में ज़्यादा देखा गया है। देखिए, मेल्स वैसे भी एक्सपोज्ड होते हैं सारी वैगरीज के, लाइफ की जितनी भी अप्रत्याशित संभावनाएं होती हैं उसमें मेल्स का रोल हमेशा से ज़्यादा होता है। हार्ट अटैक भी मेल्स में ज़्यादा होते हैं और बीमारियां भी मेल्स में ज़्यादा होती हैं, तो मेल्स में इसका प्रयोग चूँकि ज़्यादा होता है। स्त्रियाँ बेचारी जब खाना पकाने का टाइम होगा तो फ़ोन कैसे देखेंगी, अब ऐसे तो है नहीं फ़ोन कान में लगा हुआ है और खाना भी पका रहे हैं, खाना ख़राब हो जाएगा, तो ला मुहाला उनको फ़ोन से बचना पड़ेगा। सफाई है घर की, वॉशिंग है, लॉन्ड्री है, खाना पकाना है, और उनको तैयार भी होना होता है, नहाना धोना भी होता है, बच्चों को भी देखना होता है, तो नेचुरली उनका स्क्रीन टाइम कम होता है, तो इसलिए हार्म भी कम होता है, लेकिन होता तो है अगर स्क्रीन टाइम ज़्यादा होगा तो। सर, कितनी देर तक देखना चाहिए और इसका सीधे हार्ट पर किस तरह का असर रहता है इसको? देखिए, मैंने बताया ना, हार्ट पर जो है सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन जो भी होता है इससे उसका असर होता है, और हार्ट बीट पर होता है, ब्लड वॉल्यूम पर होता है, ब्लड प्रेशर पर होता है, और पोश्चर। और एक बात मैं इसमें और ऐड करना चाहूँगा, मैंने एक कार्टून बनाया है जिसमें एक मोटा लड़का है जो सोफे पे लेटा हुआ है, उसके पास मेज़ पे पिज़्ज़ा रखा हुआ है, टीवी का रिमोट रखा हुआ है, मोबाइल रखा हुआ है, और सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल, उसको आप बियर की बोतल या ड्रिंक की भी बोतल समझ सकते हैं। ये सोफासन का मतलब ये है, टोटल इनएक्टिविटी,
सोफे पे लेटे हुए हैं, सब काम कर रहे हैं, तो ये स्क्रीन टाइम से रिलेटेड है। अगर हम ज़्यादा इनएक्टिव हो जाएंगे, स्क्रीन टाइम बढ़ा देंगे, तो हमारा वेट यानी ओबेसिटी बढ़ जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मैं आपको इसमें ऐड कर रहा हूँ, जो इस स्टडी में उन्होंने नहीं देखी है। तो ओबेसिटी अभी भी कोविड के बाद इनएक्टिविटी जो लोगों की 2 साल की हुई है उसमें 7-9% बढ़ गई है। डायबिटीज़ का इंसिडेंस 7% बढ़ गया है, और ये हमारी दिल्ली की इंडियन स्टडी है। तो डायबिटीज़, ओबेसिटी, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, हार्ट बीट का बढ़ना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, स्लीप का कम होना, ये सारे फैक्टर जब एड ऑन हो जाते हैं तो हार्ट अटैक की संभावना नेचुरली बढ़ जाती है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिस पे कोई डाउट कर सके। इससे बचने की बहुत ज़रूरत है, और इसके पूरे प्रोग्राम्स भी बन गए हैं, हाउ टू डी एडिक्ट द इंटरनेट एडिक्शन।